तू तैयार है? हाँ पसड़खोर, मैं तैयार हूँ। मैं वुल्वरीन हूँ। तो देखो यार, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इस साल की मार्वल की आने वाली इकलौती मूवी यानी कि डेडपूल एंड वुल्वरीन, जिसका फाइनल ट्रेलर जो है वो हमारे सामने कल निकल के आ चुका है, जिसको मैंने वॉच कर लिया है। अब ये ट्रेलर नया क्या आपको ऑफर करता है और क्या ये जो है मार्वल फैंस के अंदर जो इसको लेके हाइप बनी हुई है, क्या इसको बढ़ाने का काम करता है नहीं करता है, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। बट बिफोर दैट, हाई एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइक 33। तो आप लोगों का फिर से एक और नए वीडियो में स्वागत है। विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखो बात करते हैं, अब की बार जो ट्रेलर निकल के आया वो पूरी तरीके से वुल्वरीन के कैरेक्टर को फोकस में लाता है। जिस तरीके से डेडपूल का जो कैरेक्टर है वो अपने यूनिवर्स को छोड़ के वुल्वरीन के यूनिवर्स के अंदर आया और किस तरीके से वो उसको मनाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे उसको उसकी हेल्प की जरूरत है और किस तरीके से वो लोग मिलकर अब एक कॉमन एनिमी से लड़ने वाले हैं। और यहाँ पे कमाल तरीके का सटायर ऐड करते हुए डेडपूल का जो कैरेक्टर है वो बताता है किस तरीके से उसको जो है लोगों को बचाने का एक्सपीरियंस नहीं है और लोगों को बचाने के लिए उसको जो है वुल्वरीन की जरूरत है। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा शॉकिंग पार्ट निकल के आता है वो आता है इसकी एंडिंग में, जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिलता है और साथ में आपको फीमेल डेडपूल भी देखने को मिलती है। इसका मतलब है कमाल तरीके से मल्टीवर्स की मैडनेस तो होने वाली, जिसमें आपको एक वेरिएंट जो है वो डेडपूल का भी देखने को मिलने वाला। तो बेसिकली मैं इतना बोल सकता हूँ कि वुल्वरीन के कैरेक्टर के ऊपर प्राइम फोकस रख के किस तरीके से उसके पास्ट के बारे में दिखाया गया है, किस तरीके से यहाँ पे आपको एक्शन देखने को मिल रहा है और साथ में किस तरीके से आपको बहुत सारे अलग अलग हिंट्स भी दिए गए हैं जो डेफिनेटली ऑडियंस के बीच में जिसको हाइप है वो बढ़ाने का काम करता है। मुझे लगता नहीं है इसकी इतनी जरूरत थी, लेकिन अब 6 दिन रह गए, अब सीधा मूवी आने वाली है। उम्मीद कर रहा हूँ इसके बाद और कोई फाइनल ट्रेलर करके मार्वल जो है वो एक और ट्रेलर को रिलीज कर दे, उनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जिस तरीके का ये ट्रेलर है वो डेफिनेटली ऑडियंस के बीच में हाइप बनाने का काम पूरी तरीके से करता है। और देखो जहां तक बात रही एज ए मार्वल फैन, मैं इतना बोल सकता हूँ कि इसने जो है काफी सारी चीजों को आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया है, चाहे वो इसकी स्टोरी के बारे में हो, चाहे इसके काफी सारे कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स के बारे में हो, जो मुझे लगता है काफी हद तक उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये मूवी जो है बहुत जल्दी आने वाली है। और अगर आप मूवी से पहले ही बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स को ऑडियंस के सामने ऐसे ही लीक कर दोगे वो डेफिनेटली इसका मजा जो है खराब करने वाला है। तो अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से मार्वल ने पूरे 12 साल के बाद ऐसा दाव खेला है कि पूरे के पूरे साल में उनका एक ही कॉन्टेंट सिनेमाघरों में आ रहा है, देखते हैं कितना ये काम करता है और पता लगे ये बैकफायर कर जाए। एज अ मार्वल फैन पूरी तरीके से चाहता हूँ कि ये धमाका करे और जितना इसका कंटेंट निकल के आया है ये बहुत हद तक प्रॉमिसिंग फील होता है। तो आप लोगों ने इसको चेक किया है नहीं किया है, आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना। बाकी अगर आप लोगों ने इस वीडियो का तक देखा और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दो और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसी वीडियोस को लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा लाइक 33।